रुझानों में बीजेपी अपनी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। जबकि बड़ी खबर दे दें, गुजरात के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। आपको बता दें 8:46 और गुजरात के रुझान में बीजेपी 92 सीटों पर आगे चल रही है। ये कहना क्या रुझानों में गलत होगा, 22 साल बाद फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार? नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार ये ट्रेंड है तो सीटों में आगे पीछे हो सकता है। हालांकि अब अंततः क्या होगा ये 1 घंटे बाद हम लोग थोड़ा मजबूती से कह, ये पलटेगा शीला, गुजरात के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है? नहीं, अभी तो दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट राउंड शुरू हुआ है। पर मैं देख रही हूँ कि दो रीजन में बहुत कड़ी टक्कर चल रही है। ठीक है, आपको लगता है उस कड़ी टक्कर के चलते पलट सकता है विजय, बहुमत मिल गया है बीजेपी को 92 पर? देखिए, अगर 10 मिनट तक इसी को रुझान को बीजेपी कायम रखती रख पाती है तो मैं मान के चलूंगा कि इसको बहुमत मिल गया है। और अभी अगला 10 मिनट बहुत क्रूशियल होगा। बिल्कुल नेहा, मैं भी 9 बजे तक का टाइम लूंगी। 9 बजे तक अगर ये बढ़त ऐसे ही बरकरार रहती है तो बीजेपी भारी जीत की ओर बढ़ रही। रितेश, यहां से पलटेगा ये आंकड़ा, 92 पर बीजेपी को बहुमत मिल गया रुझानों में? अभी तो यही दिख रहा है, बीजेपी आगे चल रही है। मुझे लगता है कि इसमें वो अभी 22 साल बाद फिर से बीजेपी सरकार बना रही है गुजरात में 92 पर आगे। एंटी इनकम्बेंसी के मामले में भी अगर बीजेपी सरकार बना रही है तो बीजेपी की बहुत अच्छी जीत है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।